ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 इस महीने को 12 तारीख को रिलीज होगी, जिसकी वजह से वो अपनी इस फिल्म के प्रमोशन में काफ़ी बिजी हैं। लेकिन इसी बीच उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से शायद उनकी फिल्म की कमाई भी कम हो सकती है। बॉलीवुड के अभिनेता ऋतिक रोशन काफ़ी चीज़ों का प्रचार करते हैं और वो काफ़ी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ऋतिक रोशन हैदराबाद के एक जिम के और फिट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और उसी जिम की वजह से उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। जी हाँ, आई शशिकांत नाम के एक जिम यूजर ने हैदराबाद की क्योर फिट जिम कंपनी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन है, उस पर आरोप लगाया है कि वो वजन कम कराने और डेली वर्कआउट सेशन कराने के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो दिसंबर 2018 में क्योर फिट जिम में 17,490 रुपये डिस्काउंट पर शशिकांत ने एक साल का मेंबरशिप लिया था। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस कंपनी ने अपने विज्ञापनों में दावा किया था कि वह सीमित घंटों के वर्कआउट क्लास और वेट लॉस के ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर वर्कआउट सेशन नहीं दिया। ऋतिक रोशन के इस जिम के ब्रांड एम्बेसडर होने की वजह से लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया और जिम में कुल 1800 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन वहाँ वर्कआउट सेशन देने के लिए जगह भी नहीं है। इसके अलावा 3 दिनों तक स्ट्रेच वर्कआउट सेशन भी उपलब्ध नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो पा रहा है। कुकाट पल्ली के लोगों के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ जिम सेंटर मानसिक तनाव भी दे रहा है। केपीएचबी थाने के इंस्पेक्टर के लक्ष्मी नारायण ने एक बातचीत में बताया कि शशिकांत ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें विज्ञापनों में दिए गए वादों के मुताबिक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। उसने कंपनी के डायरेक्टर्स और एम्बेसडर ऋतिक रोशन पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। यह शिकायत इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 406 और 420 के तहत दर्ज कराई गई है, जिसमें एक्टर ऋतिक रोशन और उस जिम के तीनों डायरेक्टर्स मुकेश बंसल, अंकित नागौरी और शंगमो गावल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर अपडेट। धन्यवाद।